हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 9 से 10 साल की बेबी के लिए इस तरह की फ्रॉक सिलने वाले हैं। बिल्कुल स्टाइलिश और नए ट्रेंड में हम इसे सिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग की हुई है, मेरी वीडियोस में आपको इसकी कटिंग मिल जाएगी। तो हम यहाँ से मैंने ये प्लेट्स रखी है और यहाँ पर मैंने इसे पिनअप किया है। अब हम सबसे पहले इसे इस तरह से एक सिलाई लगा लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब एक ही पार्ट में बोल रही हूँ मैं। तो एक पार्ट में हम सबसे पहले ये प्लेट्स को ज्वाइन करने के लिए इसको एक सिर्फ एक सिलाई लगाएंगे। ये देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये सिलाई लगाई है मैंने यहाँ पर। बस ये प्लेट सीधी रखने के लिए मैंने ये सिलाई लगाई है। अब हम इस तरह की पट्टी का यूज़ करेंगे। यहाँ पर पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ से इस पट्टी को मैं इस तरह से प्लेट्स लगाती चलूँगी। इस तरह से हम इसको प्लेट्स लगाकर यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। तो मैं यहाँ से इसे प्लेट्स लगाना शुरू करूँगी। इस तरह से ये बिल्कुल सीधी पट्टी है, तो यहाँ से मैं इसे प्लेट्स लगाकर इस तरह से सिलने वाली हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, ये देखो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये यहाँ तक पूरे गले में इसको लगा दिया है। अब हम इसकी पाइपिंग करेंगे। तो मेरे पास पाइपिंग के लिए इस तरह का ब्लैक कलर का कपड़ा है जो मैं इसमें पाइपिंग के लिए यूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम इसे उल्टी साइड में रखेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें ये उल्टी साइड में रखना है बिल्कुल। और अब हम इसको इस वाले ब्लैक कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसे यहाँ पर रखकर एक सिलाई लगाएंगे। पूरी पूरे गले में हम लगा लेंगे ये सिलाई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें यहाँ तक ये सिलाई लगानी है। एक सिलाई इसके ऊपर हम लगाएंगे, उसके बाद हम इसे बाहर की ओर फोल्ड करेंगे। ये देखो फ्रेंड्स, इस तरह से एक सिलाई मैंने यहाँ पर लगा ली है। अब हम इसे फिर से सीधी साइड में रखेंगे, फोल्ड करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये एक पाइपिंग बन जाएंगी। ये देखो फ्रेंड्स, इस तरह से पाइपिंग हमें लगानी है अंदर की ओर। ये बाहर की ओर फोल्ड करना है हमें इस तरह से, और ये पूरे में हमें पाइपिंग लगाते हुए जाना है यहाँ से यहाँ तक। तो ये देखो फ्रेंड्स, पूरे गले में हमने इस तरह से पाइपिंग कर ली है। अब हम इस प्लेट्स में तो लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर इस तरह की पाइपिंग लगाने वाली हूँ। आप देख सकते हो मेरे पास दो कपड़े हैं, एक ब्लैक कलर में है और एक इस कलर में, पीच कलर में। तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से हम इसकी पाइपिंग बनाते हुए चलेंगे। ये दोनों कपड़े हम नीचे में बैक कपड़ा रखेंगे और ऊपर में हम इस तरह से ये वाला कपड़ा रखेंगे। और इसको मैं सीधी सिलाई लगाते हुए इस तरह की ये दो पाइपिंग्स बनाऊंगी। तो मैं ये सीधी सिलाई करते हुए पूरे पट्टियों में लगा दूंगी। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये पूरे में एक पट्टी बना ली है। दोनों भी कलर मिक्स करके मैंने ये पट्टी बना ली है। आप चाहे तो आप और एक कलर मिक्स करके इसे और बना सकते हैं। अब हमने ये जो प्लेट रखी है यहाँ से यहाँ तक, आप चाहे हो तो आप जितनी भी नीचे ले सकते हो या फिर कहीं शॉर्ट रख सकते हो, इससे भी ऊपर शॉर्ट रख सकते हो। मैंने यहाँ तक रखी है। तो मैं जैसे मैंने ये पट्टी बनाई है, मैं इसको लूँगी अंदर की ओर और इसे इसके अंदर रख कर इसके ऊपर एक सिलाई लगा लूंगी। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से मैं इसे एक सिलाई लगाऊंगी। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक हमने इसे लगाया है। वो जो मैंने एक्स्ट्रा सिलाई मारी थी वो मैंने निकाल दी है, क्योंकि वो बाहर से शो हो रही थी इसीलिए। अब हम ये वाली जो प्लेट है इसकी दूसरी साइड से भी यही पाइपिंग लगाने वाले हैं। तो इसे में मैं इसी तरह से लगाऊंगी, ऊपर से थोड़ी सी फोल्ड करके इसे इस तरह से अंदर की ओर रखूंगी और इसे इस तरह से मैं यहाँ पर भी लगा लूंगी। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसके दोनों साइड्स में जो हमने पाइपिंग बनाई थी तो वो मैंने अब लगा दी है। अब हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पर मैंने इस तरह के कपड़े लिए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का ये, तो इसकी लेंथ करीबन है 4.5
3 इंच सॉरी। तो इसके लिए हम अब इसे इस तरह से फोल्ड करते हैं और यहाँ पर मैं इसे लगा दूंगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब ऐसे ही मैंने इसके 4 पीसेस लिए हैं सेम मेजरमेंट से, इस तरह से हम इसे लगाते जाएंगे। तो हम ये 4 पीसेस सबसे पहले यहाँ से एक स्टिचिंग, यहाँ से एक स्टिचिंग, इस तरह से दोनों साइड से इन्हें स्टिच करेंगे सब। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये सब तरफ से ताक लिया है। अब हमें क्या करना है, इस तरह से ये फूल जैसे मैंने अभी बनाया है ऐसे आपको ये सब बनाने हैं। अब ये कैसे बनाना है ये मैं आपको बताती हूँ। तो नॉर्मली मैंने ये कपड़े सिलने वाली सुई ली, पीसेस में इसकी धागा ऐड किया है इसमें। अब ये 4 पीसेस में हम यहाँ से इसे बंद कर देंगे, लॉक कर देंगे। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह से नीचे से पकड़ना है अंदर से हम, और इस तरह से हमें इसे इस तरह से सीलना है। आप देख रहे हो मैं किस तरह से इसे स्टिच कर रही हूँ, इस तरह से हमें ये पूरा स्टिच करना है। और हम इस धागे को इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। तो अब हमें हल्के से इसे इस तरह से प्रेस करना है। ध्यान रखें कि आप कपड़ा आपका जमा ना हो बिल्कुल। और फिर से हम इसे इस तरह से इसके अंदर से इसे निकालेंगे, एक बार फिर धागे के अंदर से निकालेंगे और इसे इस तरह से फिट कर देंगे। या आप चाहो तो आप बाहर भी बनाकर इस पे लगा सकती हो, ये थोड़ा सा आसान लगा मुझे इसीलिए मैंने ऐसा किया है। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा फूल बन गया है। इसी तरह से हमें ये चारों बनाने हैं, ये दोनों जो बचे हुए हैं मैं इसी तरह से इसे बनाऊंगी जैसे मैंने इसे बनाया है। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसे थोड़ा थोड़ा से ये वही कपड़े का यूज़ किया है जो मेरे पास ब्लैक कपड़ा था बिल्कुल सिंगल, तो उसकी मैंने थोड़ी सी नॉट्स बना ली थी और नॉट्स बना कर मैंने उसे इसके अंदर इंसर्ट किया है। ये बस एक ऑप्शनल है, आप करो ना चाहो तो ठीक है, मैं आपको ये एक करके बताती हूँ। ये 3 मैंने कर लिए हैं। तो इस तरह से मैंने इसे अंदर की ओर डाल दिया है और ये हम मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पर इसे इस तरह से अपने हाथों से सील लिया है बस। तो देखो फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह से हमारी फ्रॉक बन गई है। ये मैंने इसमें डिज़ाइन लगा ली है। अब हमें इसकी शोल्डर्स को ज्वाइन करना है। तो शोल्डर्स ज्वाइन करने से पहले हम इसके बैक गले में पाइपिंग लगाएंगे। तो ये मेरे पास कपड़ा है पाइपिंग के लिए, इसे मैं डबल फोल्ड करती हूँ और जैसे हमने रेगुलर करा है हम इसे उल्टी साइड में इस तरह से रखेंगे। डबल फोल्ड है कपड़ा, इसे इस तरह से रख के हम सबसे पहले इसमें एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम ये लगाते जाएंगे, हम एक सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारी पाइपिंग लग गई है पूरे गले में। अब हम शोल्डर्स को ज्वाइन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप चाहो तो आप सिंपली इसके आर्म होल में पाइपिंग कर सकते हो ब्लैक कपड़े से या फिर इस तरह के कोई भी कपड़े से, हमने जैसे दोनों में पाइपिंग लगाई है। या फिर आप फिर से यहाँ जैसे आपने डिज़ाइन बनाई है मैंने, तो हम वैसे अगर डिज़ाइन यहाँ पर बना लें तो भी बहुत अट्रैक्टिव लगने वाली है ये फ्रॉक। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था, इस तरह से अगर हम इसके फ्रंट में भी इसी तरह से इसके आर्म होल में इस तरह से ये लगा ले तो ये और भी अट्रैक्टिव लगेगी। तो देखो फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह से लग रही है। अब सेम इसी तरह से इसकी पाइपिंग हम कर लेंगे इसके अंदर से। तो ये देखो फ्रेंड्स, बिल्कुल यूनिक लग रहा है ऐसे। मैंने इसमें पाइपिंग भी कर ली है इस तरह से, इसमें ये वाली डिज़ाइन भी लगा ली। अब हमें इन साइड से भी इसी तरह से करना है जैसे हमने यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही डिज़ाइन बना लेंगे। ये देखो फ्रेंड्स, दोनों साइड्स बन गई है हमारी। अब हम बैक साइड में पाइपिंग करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, दोनों भी शोल्डर्स में पाइपिंग हो गई है, गले में भी हमारी पाइपिंग हो गई है।
अब हम इसकी शोल्डर्स को स्टिच करते हैं। तो इस तरह से हम पहले पार्ट वाले को ऊपर रखते हैं, जो हमारा सीधा पार्ट है उसे हम इस तरह से रखते हैं, और बैक पार्ट को हम उल्टा रखते हैं। बैक पार्ट को इसके ऊपर हम इस तरह से उल्टा रखेंगे, और सबसे पहले हम इस तरह से ये शोल्डर्स जोड़ देंगे यहाँ से, और यहाँ वाली भी शोल्डर हम यहाँ से इस तरह से जोड़ देंगे। तो देखो फ्रेंड्स, शोल्डर्स हमने इस तरह से जॉइन कर ली है, दोनों साइड्स की शोल्डर्स को हमने जॉइन किया है, ये वाली भी शोल्डर्स लग गई है। अब हम इसकी फाइनल स्टिचिंग करते हैं। तो यहाँ से हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, इसको फिर से हम उल्टा फोल्ड करेंगे। शोल्डर्स यहाँ पर दबाना चाहते हो इस तरह से ये खड़ी ना हो, तो यहाँ से आप इसको एक दबी हुई सिलाई लगा सकते हैं, यहाँ से इस तरह से ये हमारी दबी हुई सिलाई हम यहाँ से और यहाँ से लगा सकते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, फाइनल स्टिचिंग मैंने लगा ली है यहाँ से और अब ये फ्रॉक कुछ इस तरह से लग रही है, बिल्कुल अट्रैक्टिव और बहुत अच्छी ये फ्रॉक लग रही है। और इसके जो ये जो नीचे की साइड है, हम इसको इस तरह से थोड़ा सा डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो मैं इस तरह से और इस तरह से एक बार फोल्ड करके इसे इस तरह से इसके पूरे गोल में सिलाई लगाती हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, नीचे से भी हमने इसे डबल फोल्ड किया है और ये कुछ हमारी घेर वाली इस तरह से ये फ्रॉक बन गई है, आप देख सकते हो हमारी फ्रॉक का लुक आ रहा है। ये देखो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।